हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी कि ऑब्लिगेशन कर्तव्य होते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ट्विन दो कर्तव्य होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, और फिर दूसरा अपने पिता के या माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और फिर अपने बच्चों और पत्नी के प्रति कर्तव्य, और अगला कर्तव्य एंड और ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और फिर जो कर्तव्य उसका जो एक कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य होता है। इन सिविल एंड ह्यूमन, देखो एक सभ्य और मानवीय समाज में, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, एक सभ्य और मानवीय समाज में, सोसाइटी मीन्स समाज, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हाउस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब बताते हैं कि अपने एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पर एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को क्या करता है, पूरा करने योग्य अपने जीवन के प्रति रुझान और योग्यताओं के अनुसार करता है। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, और फिर क्या है, किंतु दक्षिणी अफ्रीका जैसे राष्ट्र में क्या है, जन्म से इट वॉज ऑलमोस्ट लगभग इम्पॉसिबल, असंभव, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन क्या है, दक्षिणी अफ्रीका में जैसे राष्ट्र में क्या है, जन्म के व रंग के एक व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्य को पूरा करना लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दक्षिणी अफ्रीका में इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत रंग, यानी कि अश्वेत रंग कालापन कहने का मतलब, अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता है उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है, यानी कि दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेट, उसे अलग थलग कर दिया जाता है। आइसोलेट का नाम तो आप जानते ही हैं, आइसोलेशन, जैसे भी कोरोना काल में आइसोलेशन का बहुत नाम फेमस हुआ। इन साउथ अफ्रीका, अब देखो दक्षिणी अफ्रीका में एक व्यक्ति, देखो इन ए मैन, एक व्यक्ति हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रेप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज सम सॉरी होम एंड वाज फोर्स्ड टू लाइव अ लाइफ अपार्ट अ ट्री लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। अब देखो एक व्यक्ति अपने लोगों के प्रति क्या करता है, कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की और उसे अपने परिवार से, घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए उसे क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया था, और फिर क्या होता है, इसके बाद अलग कर दिया जाता है और अपने घर से उसको अलग करने के बाद उसे बाध्य कर दिया जाता था। रहस्य और विद्रोह का एक शांतिकालीन अस्तित्व जैसा, तो फिर वो बताते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड From fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। और फिर क्या है, देखो ये बताते हैं कि मैंने आरंभ किया है, शुरुआत की अपने लोगों को परिवार के ऊपर रखने को नहीं चुना था, किंतु लेकिन क्या होता है, अपने लोगों की सेवा करने में मैंने यह पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य को पूरा करने से रोका गया है। ये बात नेल्सन मंडेला बताते हैं। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखो इस ऊपर वाले पैराग्राफ को मैं एक बार और आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ। देखो कहने का मतलब इस पैराग्राफ के अंदर ये चल रहा है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं।
पहला अपने परिवार के प्रति, देखो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उसका कर्तव्य होता है कि लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, एक सभ्य समाज में, मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य हैं और अपने स्वयं के रुझान और योग्यताओं के अनुसार उनको पूरा करते हैं। लेकिन क्या होता है, दक्षिणी अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में मेरे जन्म के वर रंग के जो एक व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिणी अफ्रीका में क्या होता था, श्वेत रंग यानी कि जो श्याम रंग होता है उसका एक व्यक्ति जो कोई एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था उसे क्या कर दिया जाता है, तो दंडित कर दिया जाता था या वहां पर अलग अलग कर दिया जाता, उसे आइसोलेशन में कर दिया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की तो उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया गया। रहस्य और विद्रोह का एक शांतिकालीन अस्तित्व जैसा उसको कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा रहस्यमय शांतिकालीन अस्तित्व जैसा जैसा शाम पड़ गई हो उसके जीवन में, अंधकारमय हो गया हो। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था, ये बताते हैं नेल्सन मंडेला, मैंने उनको नहीं चुना ऊपर रखने के लिए, लेकिन क्या है, अपने लोगों की सेवा करने में मैंने ये पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने से क्या किया गया, मुझे रोका गया है। भाई मैं जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिनके कर्तव्य को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके लिए मुझे क्या किया गया है, रोका गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जिसका ऊपर वाले का मैंने आपको हिंदी सुना दिया है। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के लिए नहीं जन्मा हूँ, ये बता रहे हैं कि मैं आज़ाद होने की मेरे अंदर भूख नहीं है। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र जन्मा था और मैं, मतलब मुझे किसी, मैं स्वतंत्र आज़ाद ही जन्मा था और फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और ये मैं जानता हूँ कि प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था, क्या फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिल्स मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड टू बोर्ड बेक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स। देखो सिंपल सी बात, मैं आपको मीनिंग अलग से बता दूंगा दोनों लेसन की, एक तो चैप्टर फर्स्ट के और चैप्टर सेकंड के। मैं अभी थोड़ा सा जल्दी इस लेसन को ख़त्म करने में हूँ, फिर मैं आपको साथ ही मीनिंग और जहाँ आपको लगे कि यहाँ कठिनाई है मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ, तब तक इसको अच्छे से समझें। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास में क्या है, खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र स्वच्छ झरना मेरे गांव में के मध्य बीच में होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे अनाज की बाल या भुट्टे भुनने के लिए स्वतंत्र, ये बता रहे हैं कौन बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. देखो ये बताते हैं कि जब मैंने ये बता रहे हैं कि जब मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, मेरी जान जाति की परंपराओं का पालन किया, तो मुझे ईश्वर भगवान ने, गॉड ने या मानव के कानूनों द्वारा परेशान नहीं किया गया। देखो मानव के जो कानून हैं उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, भगवान ने मुझे कोई परेशान नहीं किया, जो परंपराएं मेरी जनजाति की थी तो मैंने उन्हें अपनाई, भाई मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, ये बात नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. देखो ये बता रहे हैं ये केवल तब था जब मैंने जानना प्रारंभ किया, शुरुआत की कि मेरे लड़कपन की जो स्वतंत्रता का जो मेरे अंदर भ्रम था उस समय, तो जब एक युवा के रूप में मैंने ये सर्च किया या खोजा कि मेरी स्वतंत्रता को तो मुझसे पहले ही ले लिया गया था, तो मैंने इसके लिए भूखा होना आरंभ कर दिया, मैंने भूखा रहना उसके लिए शुरुआत कर दी। एट फर्स्ट सबसे पहले देखो क्या होता है, शुरुआत में
आरंभ में एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ कि मैंने केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहिए द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। देखो जो क्षणिक स्वतंत्रताएं होती है जैसे रात में बाहर ठहरने के लिए योग्य नहीं होने की पढ़ने की जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे और जाने के लिए जहां भी जहां मैं चुनाव करना चाहूं जहां आई चूज आई प्लेस्ड एंड गो वेयर भी जहां भी मैं जाना चाहूं वहां चुनाव करना चाहूं मैं कर सकता हूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। देखो शुरू का वापस लेटर बाद में क्या है एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। देखो ये बता रहे हैं आगे कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में एक यंग व्यक्ति के रूप में आई यर्न फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। और फिर बता रहे हैं कि मैंने मेरी क्षमताओं की को प्राप्ति विकसित करने के लिए जो मूलभूत गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की अगली बार ऑफ अर्निंग माई की और बता रहे हैं मेरे निर्वाह के लिए कमाने की ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। देखो विवाह रचने की और परिवार को स्वतंत्रता ही परिवार के परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना कि द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की जो स्वतंत्रता होती है उसके लिए स्वतंत्रता की मैंने चाह रखी कामना की ये बात बताते हैं नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे ये देखा कि मैं केवल स्वतंत्र नहीं था आज़ाद नहीं था बल्कि मेरे भाई व बहन भी थे। फिर वो बताते हैं मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। और फिर ये कह रहे हैं कि मैंने ये देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को भी क्या किया गया था कम किया गया था उनकी आज़ादी को भी कम किया गया था जो मेरे जैसे ही थे जो मेरे ही भाई बहन थे। बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और फिर बता रहे हैं कि तभी मैंने अफ्रीकन में देखो ये बता रहे हैं उस समय क्या है बल्कि उन सभी को स्वतंत्रता को कम किया गया था जो मेरे जैसे ही थे। और फिर क्या होता है दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और फिर उसी समय उन्होंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में वो भर्ती हो गए शामिल हुए एंड ऑल दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और फिर ये बता रहे हैं देखो मैंने राष्ट्रीय अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं शामिल हो गया और तभी मेरी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी वो मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की जो विशाल भूख बन गई थी। अब जो मेरी जो भूख थी स्वतंत्रता की वो ग्रेटर यानी कि विशाल बन गई थी वो भूख किसके लिए मेरे अपने लोगों के लिए विशाल बन गई थी वो बहुत बड़ी भूख बन गई थी। तो ये है जो आप देख रहे हैं तस्वीर में ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है आप इसे देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला ऐसे थे इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया संघर्ष के बाद इन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया है क्योंकि उस समय काले लोगों को वहाँ पर इजाज़त नहीं थी सरकार बनाने की। तो ये है नेल्सन मंडेला। चलो आगे बढ़ते हैं ऑफ माई पीपल लोगों के लिए वो क्या बन गई थी विशाल भूख। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर
lives with dignity and self-respect and emanated my life. देखो अब ये बताते हैं, मैं बड़ा कर लूँ. It was this desire for the freedom of my people. देखो ये कहना चाहते हैं कि मेरे लोगों को अपना जो जीवन है उसकी गरिमा और आत्मसम्मान से जीने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने की ये जो इच्छा थी. To live their lives with dignity and self-respect that emanated my life. और फिर ये बता रहे हैं मेरे जीवन की क्या थी, वो स्वतंत्रता की इच्छा यही थी जिसने that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney or to become a criminal. अब आगे देखो ये कह रहे हैं, क्रिमिनल का मतलब होता है बच्चों, क्रिमिनल का मतलब अपराधी आप कह सकते हैं. तो जिसे क्या है मेरे जीवन को सजीव किया था, जिंदा किया था, जिसने क्या है भय आक्रांत जो युवा है उसको एक साहसी युवा में बदल दिया, जिसने क्या है कानून की पालना करने वाले एक न्यायवादी को क्या कर दिया, एक अपराधी बन जाने दिया. और एक न्यायवादी को क्या करना पड़ा भाई, अपराधी बनना पड़ा, उसे क्रिमिनल बनना पड़ा. दे टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और फिर वो ये बताते हैं कि जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने क्या किया, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क. और फिर कह रहे हैं जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं यहाँ तक कि किंचित कह सकते हैं सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैंने ये जाना था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, वो आज़ाद नहीं थे. और आगे बढ़ते हैं इसी पैराग्राफ पर. फ्रीडम इंडिविजिबल The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains of me. और फिर क्या है, स्वतंत्र अविभाज्य है, मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियाँ यानी कि चेन उन पर जो पर बेड़ियों के समान थी, मेरे सभी लोगों पर जो बेड़ियाँ थी उन मेरे ऊपर भी वो बेड़ियों के समान थी यानी कि चेन के समान थी. ये बात कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं. भाई जो वो चेन बंधी हुई थी वो चेन उन्हीं लोगों के लिए नहीं थी, वो चेन मेरे लिए भी थी जो उन लोगों के लिए थी. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है. आई न्यू, मैं जानता, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी liberated just as surely as the opposed to a man who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice. And narrow-mindedness. देखो मैं जानता था कि उत्पीड़क को, मैं आपको इसे थोड़ा हिंदी समझा देता हूँ. मैं जानता था कि जो उत्पीड़क है उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए थी जितनी एक उत्पीड़ित को चाहिए होती है. एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी होता है. क्या होता है, प्रिजनर, यानी कि वो क्या होता है, कैदी होता है. घृणा का, किसका, घृणा का. हार्ट रेट का मतलब होता है घृणा, घृणा का वो कैदी होता है. ही इज, अब आगे बताते हैं, ही इज लुक बिहाइंड द
bars of prejudice and narrow mindedness. अब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी तो होता ही है, लेकिन वह क्या है, देखो, पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है ना। आगे, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को क्या करता हूँ, छीनता हूँ, उनसे छुड़ाता हूँ। कहने का मतलब ठीक वैसे ही क्या है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर लाइक आर रॉक ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़ित न उत्पीड़क दोनों ही, उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही समान रूप से मानवता से लूटे होते हैं। बेचारे जो वंचित होते हैं मानवता से, वो क्या होते हैं, वंचित होते हैं। नेल्सन मंडेला इस बात में ये समझाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी ये क्लास समाप्त हो चुकी है। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। अब इसके एक भैया का मुझे कॉल आया था कि सर मीनिंग और आंसर मीनिंग भी आप हमें समझाओ। तो मैं अब नेक्स्ट जो पार्ट लूँगा, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें मैं मीनिंग साथ में क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। अभी जो हमने दो लेसन पढ़े हैं, उन फर्स्ट चैप्टर, एक तो आ लेटर टू गॉड और दूसरा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इन दोनों लेसन के मैं मीनिंग आपको बोर्ड पर समझाने वाला हूँ। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो दोनों लेसन के मीनिंग को लेकर के आएगा। तब तक इस लेसन को अच्छे से समझें और मीनिंग मैं आपको बता ही दूँगा, और मीनिंग और दोनों के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।